आखिर क्यों हर कोई इस बच्चे के साथ खिंचवा रहा है तस्वीर, वजह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आए दिन हमें सरकार की लापरवाही की वजह से तरह तरह की घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है। इन घटनाओं में बहुत से लोगों की मौत भी हो चली जाती है। आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। दरअसल रोशन नाम का एक बच्चा सरकार की लापरवाही की वजह से गड्ढे में जा गिरा। बच्चे के गड्ढे में गिरने के 35 घंटों के बाद उसको सही सलामत बाहर निकाला गया। बच्चे के बाहर निकालने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उससे मिलने के लिए लोग खिलौने लेकर आए थे, जिनको देखकर रोशन बहुत खुश हुआ। बहुत से लोगों ने रोशन के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। रोशन की माँ ने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि मैं घटना वाले दिन गांव की कुछ महिलाओं के साथ खेत से चने लेने गई थी और रोशन के पिता मजदूरी करने से किसी दूसरी जगह गए थे। उन्होंने आगे बताया कि रोशन को बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए पेड़ के नीचे छोड़ा। खेलते खेलते रोशन गड्ढे में गिर गया। जब उन्हें रोशन के गड्ढे में गिरने के बारे में पता चला तो उन्होंने कुछ महिलाओं के साथ मिलकर गड्ढे से रोशन को बाहर निकालने के लिए रस्सी डाली, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई, जिसके बाद उन्होंने रोशन के पिता को इस बात की खबर दी। 1:02 बजे के आसपास रोशन को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए सरकारी कर्मचारियों की टीम भी पहुंच गई। जब लाख कोशिश करने के बाद भी रोशन बाहर नहीं आया तो रोशन की मां बहुत डर गई। गड्ढे के पास मौजूद लोग रोशन की सही सलामत बाहर आने के लिए दुआ मांगने लगे। रोशन की मां ने बताया कि उन्हें भगवान पर पूरा विश्वास था कि रोशन सही सलामत बाहर आएगा, जिसके थोड़ी देर बाद रोशन सही सलामत बाहर आ गया। उन्होंने बताया कि जब रोशन बाहर आया तो वो रो रहा था और मुझे ही देखे जा रहा था। रिपोर्ट की माने तो रोशन को सही सलामत बाहर निकालने में भारत सरकार, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवकों के 8 लाख रुपए लग गए। JCB और पुटलेन ने अभी किसी भी तरह का कोई भी बिल पेश नहीं किया है। शायद आपको ना पता हो कि भारत में पुटलेन प्रति घंटे 25,000 रुपए और JCB 800 के रेट में मिलती है।